नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। नाइलॉन मांजा बेचने वाला पकड़ाया। नागपुर अंबाजरी पुलिस स्टेशन की सीमा अंतर्गत आने वाले तेरंगखड़ी परिसर में प्रबंधित नाइलॉन मांजा बेच रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि आरोपी अनिकेत विजय सूर्यवंशी विभिन्न कंपनियों के नाइलॉन मांजा बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा। इस दौरान दुकान में रखे मांजे के 31 बंडल मिले। दूसरी चक्री में भरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन सहित कुल 42,450 रुपए का माल जब्त किया है। तो वही दूसरी ओर युवक की खुदकुशी। खापा स्थानीय थाना अंतर्गत वाकी में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक कैलाश चिंटू जी खटसे है। घटना शनिवार की सुबह 10 बजे उजागर हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार कैलाश को शराब पीने की लत थी। वह कई दिनों से कोई काम धंधा नहीं कर रहा था। घटना के दिन घर में किसी के नहीं होने पर उसने फांसी लगा ली। दिलीप चिंटू जी खटसे की सूचना पर खापा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थानेदार अजय मानकर के मार्गदर्शन में एएसआई मुकुंदा लोंडे ने जांच शुरू कर दी है। तो वही तीसरी और दुर्घटना में गैंगमैन की मौत। गोंदिया खमाई में हुई दुर्घटना में घायल गैंगमैन ने 4 जनवरी को नागपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक मराल टोली बुद्धनगर निवासी नरेंद्र मेशराम है। 30 दिसंबर की सुबह 6 बजे मोटरसाइकिल से दागोटला गुदमा जाते समय खपारी के पास सड़क पर खड़े ट्रक को उसने जोरदार टक्कर मार दी थी। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।